कि ना मोदी, तेरे को देख देंगे हम, बातों से नहीं, लातों से नहीं, वोट की चोट से तेरे को हरा के दिखाएंगे। अभी हमारा यहाँ कम से कम एक डेढ़ घंटा पुलिस ने वेस्ट कर दिया है। हमारी बसों में फिर गिनती, बार बार गिनती की जा रही है। जो फेक संसद आप चला रहे हो और जो जेन्युइन संसद अब जनपद पे चल रही है, उस नकली संसद को छोड़ के किसानों की असली संसद में आप आ जाएं, तो शायद आपका बचाव है। अगर गलत जगह पे बैठे रहे तो बचाव पॉसिबल नहीं है। दिल्ली दियां सरहदां ते किसान अंदोलन नूं 8 महीने बीत गए ने। इस दौरान बड़ी गिनती च बीबियां भी किसानां दे मोढे नाल मोढा जोड़ के संघर्ष च डटियां होईयां ने। दस दी के संघर्ष दौरान किसानां वल्लों पिछले 4 दिनां तों किसान संसद चलाई जा रही है, जिस दे मद्देनजर अज दे दिन यानी कि 26 जुलाई नूं 200 बीबियां दा जत्था किसान संसद चलावेगा। अजिहे च अज दिल्ली तों ताज़ा तस्वीरां सामने आईयां ने, जिस में साफ देखा जा सकता है कि 200 बीबियां दा जत्था बसां राहीं संसद मार्च करन लई रवाना हो रहा है। इस दौरान दिल्ली पुलिस वालों बसां च चढ़ के बीबियां दी चेकिंग ते गिनती भी की जा रही है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज महिलाएं संसद चला के आएगी और जीत का आश्वासन देके चलते हैं। जहां शहीद की पत्नी श्रीमती रमेश शांति के साथ है, हम अपने काले कानून रद्द करा के आएंगे, वरना मोदी को सिखा देंगे कि संसद कैसे चलती है। ये एक महिला का वरदान है। और शहीदों की पत्नी मैं जितना जोर से उतनी घर बैठी महिला को भी मैं कहना चाहती हूँ, जो अपने बच्चों को भी पालती है और खेत भी करती है और अपने किसानों के हक की लड़ाई में भी आके जिंदा रहती है, तो ऐ मेरी महिला जहाँ घर पे बैठी है, जहाँ मेरी आवाज जा रही है, वहाँ तक उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, चूल्हे पे जो रोटियां पकाती थी आज हमारा वो खत्म होने को जा रहा है, जो दाल रोटी की बातें की जाती आज वो दाल रोटी खत्म होने के लिए खोसने के लिए मोदी साहब तैयार है। लेकिन है मोदी, तेरे को देख देंगे हम, बातों से नहीं, लातों से नहीं, वोट की चोट से तेरे को हरा के दिखाएंगे। यह एक श्रीमती रमेश अंतिम का वादा है और महिला शक्ति का वादा है और एक शहीद की पत्नी का वादा है। जब तक हमारे काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठने के लिए श्रीमती रमेश अंतिम की टीम तैयार है। या तो काले कानून रद्द किए जाएंगे, न जल और अन्न छोड़ के पूरी संसद में आज कूच करके आऊंगी, पानी और रोटी पानी जब खाऊंगी, जब हमारे 3 काले कानून रद्द होंगे और MSP बिल पास होंगे। नहीं आलू करना नहीं आप लोगों को। मीडिया वाली जो अलग से होती है वही हमने एडजस्ट कर दिया, 5-5 तो 5 बसे किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, नारी शक्ति, जिंदाबाद। चलो जी भाई साहब पीछे पीछे हो जाओ, पीछे बहुत दूर है, कोई नहीं अंदर बैठ जाओ, पीछे बैठ ऐसे लगा रहे हैं जैसे असली पाले में अंदर ले गए। इनकी भी मजबूरी है। इस दौरान किसान बीबियां ने इल्जाम लगाए कि दिल्ली पुलिस वालों वार बार उन्होंने बसों को रोक के चेकिंग की जा रही है तो उन्होंने जानबूझ के तंग परेशान किया जा रहा है। इस दे नाल ही किसान बीबियां ने कहा कि वह हर हालत में खेती कानून रद्द करवा के ही साह लेंगी।
जिंदाबाद। अभी हमारा यहाँ कम से कम एक डेढ़ घंटा पुलिस ने वेस्ट कर दिया है। हमारी बसों में फिर गिनती बार बार गिनती की जा रही है। जो मीडिया कर्मचारी, मीडिया के भाई हमारे साथ थे, उनको हमारी बस से उतार दिया गया। ये चाहते नहीं, पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कि मीडिया हमारी बात जनता तक पहुंचाए। हमारी माताओं बहनों की जितनी भी बसें जा रही थी, उन सभी से मीडिया कर्मचारियों को नीचे उतार दिया गया। और जो हमारे भाई थे, हमारे साथ थे, वॉलंटियर थे, जिन्होंने शहीद किसान मोर्चा ने भेजा था, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उन भाइयों को भी जबरदस्ती बस से नीचे उतारा गया है कि वो अलग गाड़ी में आएंगे। ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, हमसे इनको क्या खतरा हो सकता है? हम खाली हाथ है सिर्फ अपना तिरंगा या अपना किसान झंडा हाथ में लेके जा रहे हैं। सरकार की जो तानाशाही है, ये बर्दाश्त नहीं होना है, नहीं करेंगे हम लोग। और ऐसे जांच पड़ताल कर रहे हैं जैसे कि हमें सच में पार्लियामेंट के अंदर एंट्री करवाएंगे। अरे जंतर मंतर पे हमारा हक है, देश के नागरिकों का हक है, वो जंतर मंतर पे कभी भी जा सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है, नारे लगा सकता है। लेकिन नहीं, सरकार ने हमें तो सांस लेने पे भी रोक लगा रखी है। यहाँ हमारी माताएं बहनें नीचे उतर रही थी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो हमें नीचे नहीं उतरने दिया गया। नहीं नहीं नहीं, बस से नीचे कोई नहीं उतरेगा। तो ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं सभी से बताना चाहूंगी कि जितने भी भाई बहन इसको देख रहे हैं, शेयर करें। ये सरकार तानाशाही बन चुकी है, लोकतंत्र का गला घोट दिया है इन्होंने। अभी माताएं बहनें जाग चुकी हैं, आज ये किसान संसद में जाके अपने आवाज उठा रही हैं। आने वाले समय में मैं सभी माता बहनों से अपील करती हूँ, असली संसद में 50% माताएं बहनें पहुंचो, वो भी मजदूर परिवार की बहनें, किसान परिवार की बहनें, तब जाके देश का विकास होगा। और ये जो मीनाक्षी लेखी हमें किसानों को बोलती है कि ये मवाली है, किसान अकेला पुरुष नहीं है, महिलाएं भी किसान है। मीनाक्षी लेखी ने महिलाओं का भी अपमान किया है, एक महिला होते हुए भी उसने महिलाओं का अपमान किया है। मातृ शक्ति जाग चुकी है, और जहाँ पे मातृ शक्ति इतनी संख्या में आवाज बुलंद करके किसान का नेतृत्व कर रही है, किसान आंदोलन का, वहाँ जीत पक्की होगी। जय जवान जय किसान। किसान बीबिया ने मोदी सरकार नु अपील की कि वो अपनी जिद छड़ के किसानों दिया मंगा वाल ध्यान देवे। इस दौरान किसान बीबिया ने चेतावनी भी दी कि जेकर जल्द ही मोदी सरकार ने किसानों दिया मंगा ना मनिया, खेती कानून रद्द ना किते, ता आउण वाले दिनां च केंद्र सरकार नूं इसदे भी माड़े नतीजे भुगतने पैणगे। मैं ये कहना चाहूंगी, 8 महीने पूरे हो गए आज, और 9 महीने शुरू होने वाला है, और मोदी जी शायद जो आप एक कॉल की दूरी कह रहे थे, अब तो शायद हम आपसे 2 मिनट की दूरी पे बैठे हैं। और जो फेक संसद आप चला रहे हो, और जो जेन्युइन संसद अब जनपद पे चल रही है, उस नकली संसद को छोड़ के किसानों की असली संसद में आप आ जाए तो शायद आपका बचाव है। अगर गलत जगह पे बैठे रहे तो बचाव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज मातृ शक्ति खुद धरती पे उतर के आपके सामने खड़ी है। बच सकते हैं तो बचिए, नहीं तो आपका बेड़ा पार। नारी शक्ति जिंदाबाद। किसके बारे में? इसी बारे में, कितनी तकलीफ से आपको वहाँ लेके जाया जा रहा है? देखिए, मोदी सरकार और अमित शाह भी डरते हैं जनशक्ति से, पर महिला शक्ति की तो और ही खूबी है, वो कभी छोड़ती नहीं है, जिवटता है, तो हमसे ज़्यादा डरते हैं शायद। लेकिन ये जो एक जनवादी रूप जनतांत्रिक मोर्चा का लिया जा रहा है जन संसद के नाम पर, वो एक प्रकार की चुनौती है आज की मूल्यहीन राजनीति को। और इस राजनीति में लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, लेकिन महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, दलितों, आदिवासियों को कहीं स्थान नहीं है, सम्मान नहीं है। विरोधी दलों का अवकाश खत्म कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको एक समांतर, एक पैरेलल संरचना खड़ी करना, पैरेलल प्रक्रिया चलाना जो सही अर्थ से धरातल से जुड़ी हो, और आम नागरिकों की बात सुनना, की सुनवाई जिसमें हो, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए वो इतने डर गए हैं कि आज पूरी दिल्ली पुलिस का बल, महिलाओं का ही दल भी उनके हमारे ही पीछे लगा हुआ है। इतना सम्मान तो आम रूप से चुनके गए हुए सांसदों का भी नहीं होता था,
लेकिन हमारा सम्मान कर रहे हैं, सैल्यूट ठोक रहे हैं, ऐसा ही हम मानते हैं। तो महिलाओं की ताकत और किसान आंदोलन में महिलाओं की ताकत भी इससे और बढ़ती जा रही है, इसलिए एक विशेष दिवस महिलाओं के लिए रखना, ये आज तक आम संसद ने भी नहीं किया, किसानों के लिए संसद सत्र नहीं किया, तो फिर हमको उनके समांतर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आज महिलाओं के जो मुद्दे हैं, अधिकार के महिलाओं के मुद्दे, स्थान सम्मान के, सुरक्षा के, वो सब किसानी महिलाओं के भी है, किसानी मजदूर महिलाओं के भी है, तो ये सब आज उठेंगे तो एक किसान आंदोलन भी और व्यापक हो जाएगा और समाज को एक और नया सबक सीखने मिलेगा। दसदी के अजय किसान बीबिया वालों किसान संसद स्वतंत्र तौर पर चलाई जाएगी, तो इस दौरान प्रदर्शनकारी बीबिया वालों खेती कानून ते चर्चा करके मोदी सरकार तो खेती कानून रद्द करने की मांग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।